अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक है, हमारा एक सब्जेक्ट है जी, एलएलबी पार्ट 3 में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे हम सीआरपीसी भी कहते हैं। उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ड्यूटीज़ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो रेलिवेंट सेक्शन, इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, रेलिवेंट सेक्शन सीआरपीसी में हमें जो डील करते हैं इससे, वो जो सेक्शन 4 है, जिसमें हमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन बताई गई है। फिर सेक्शन 156 सीआरपीसी का जो है, ये इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केसेस, इनसे डील करता है। अब कॉग्निजेबल होता है जी अरेस्ट विदाउट वारंट, ऐसे केसेस जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फिर 160 डील करता है जी पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस के, जिसमें विटनेस का प्रेजेंट होना कोर्ट में ज़रूरी होता है। फिर सेक्शन 161 है, 170 है, 172 एंड 173, जिसमें हम पुलिस ऑफिसर जो है वो चलान अपना कोर्ट में सबमिट करवाता है। फिर आ जाता है जी, ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज़ नॉट ओनली टू सेटअप अ केस ऑफ कंप्लेनेंट पार्टी। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, एफ आई आर वगैरह दर्ज करते हैं, तो जो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है उस ऑफिसर की, ना सिर्फ ये ड्यूटी होती है कि वो केस प्रॉपर देखे, उसको मैनेज करे with such type of evidence as may be enable the court, इस तरह के एविडेंस को इकट्ठे करे जो कि कोर्ट को अनेबल करे, कि जिससे कोर्ट के पास ये सबूत हो, ये कोर्ट के पास एविडेंस आ सके कि इस केस में पनिशमेंट बनती है, एक्विटल बनता है, या रिहा करना है, क्या करना है। इस तरह के एविडेंस जो हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट में प्रजेंट करता है। उसके बाद जी हमारा आ जाता है अंडर सेक्शन 157 ऑफ द कोड, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज़ अंडर मैंडेट टू सेंड एफआईआर इमीडिएटली टू द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, उसकी ड्यूटी है कि जो एफआईआर उसके पास दर्ज करवाई गई है, वो मुतलका मजिस्ट्रेट के पास उसको फौरन भेजे। दिस प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू पुट इफेक्टिवनेस चेक ऑन द इन्वेस्टिगेशन। ये प्रोविजन इसीलिए सीआरपीसी में ऐड की गई है ताकि इन्वेस्टिगेशन को चेक किया जा सके, उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं रहेगी। एज सच the code investigation consists generally of the following step। अब जी investigation, जो investigating officer होता है, जो investigation करता है, उसमें क्या क्या steps include होने चाहिए, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे investigation complete होती है। प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, उस जगह पे जाके प्रोसीडिंग्स करें, उस जगह पे जहाँ पे जुर्म हुआ है जाके देखें कि क्या हालात और वाकियात हैं। असरटेनमेंट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उस जगह पे जाके फैक्ट्स को कलेक्ट करें। डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ सस्पेक्टेड ऑफेंडर, जो ऑफेंडर है, जो मुजरिम है, उसको डिस्कवर करें, अगर तो वो अवेलेबल नहीं है उसको ढूंढे, उसको डिस्कवर करें, उसको अरेस्ट करें, फिर कोर्ट में प्रेजेंट करें। कलेक्शन ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो ऑफेंस कमिट किया गया है, जो जुर्म हुआ है, उससे रिलेटेड एविडेंस इकट्ठे करे, सबूत इकट्ठे करे। एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, उसका उसको एग्जामिन करे, उसका एग्जामिनेशन करे, और क्या करे जी, उसकी जो स्टेटमेंट है उसको इन रिटन लिखे, इफ़ द ऑफेंस ऑफिसर थिंक्स फिट, अगर ऑफिसर इसको ज़रूरी समझे तो। फिर आ जाता है जी फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन एज टू वेदर ऑन मटीरियल कलेक्टिव देयर इज़ केस टू प्लेस एक्यूज बिफोर अ मजिस्ट्रेट। फिर जब वो एविडेंस वगैरह इकट्ठे कर लेगा, अगर तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये समझे कि एक प्रॉपर केस बनता है जिसे हम मजिस्ट्रेट के सामने भेज सकें, मजिस्ट्रेट के पास भेज सकें फॉर ट्रायल, ट्रायल के लिए। इफ़ सो, अगर वो ऐसा समझे, टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स फॉर सेम बाय फाइलिंग ऑफ चार्ज शीट अंडर 173 सीआरपीसी। अगर तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही समझेगा कि अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे लगेगा कि एक केस प्रॉपर बन रहा है जिसे मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना ज़रूरी है, जिसका ट्रायल ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा, 173 सेक्शन के अंडर अपना एक चलान प्रिपेयर करेगा। चलान प्रिपेयर करके वो केस को ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा। तो हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या है, वो किस तरह से होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो ये एक इस टॉपिक में हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।